भाई क्या उखाड़ लिया है, क्या किया? बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत आला। नागल्समैन फिट लेके चल रहे टीम को, कोई इश्यूज नहीं है भाई। यूसीएल पे अच्छा खासा इनका ट्रैक चल रहा है, कोई भी पंगा नहीं है, ना लॉसेस आ रही है भाई। हर टीम को उखाड़ रहे, पीएसजी को उखाड़ रहे, लेकिन ना ना ना, कीड़ा तो करना था भाई। टुखेल आया हुआ है भाई, टुखेल फ्री हुआ है भाई। ले आओ ले आओ, उसने उस शिट टीम को यूसीएल जितवा दिया था। ले आओ ले आओ, ये हमें पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। आ गया मजा, पै गई ठंड, उन मोहब्बतें पा लिया, क्या उखाड़ा टुखेल ने भाई। इस गंजे को रोक लो यार, रोक लो गंजे को। एक स्ट्राइकर की जरूरत थी, आ गए वो भी। मुझे नहीं पता इस साल कैसे रोकना है सिटी को, सिटी को जीतने से यूसीएल, लेकिन रोको रोको। टकले की मास्टर क्लास नहीं रुकती, हॉलैंड की गोल स्कोरिंग एबिलिटी नहीं रुकती। गोल स्कोरिंग से याद आया, आज बड़ी अच्छी पेनल्टी कन्वर्ट की है हॉलैंड ने यार। आज का तो मैच मैं ब्लेम ही बायर्न खुद को करता हूं। आज तो टुखेल साहब की भी गलती नहीं है भाई। हाँ वो है कि ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा कर रहे होते हैं, बार बार यूं कर रहे होते हैं। लेकिन बात पता है क्या है, जब तक बायर्न के खुद के प्लेयर्स ही नहीं गोल मारने के लिए रेडी होंगे, कहां से आएंगे गोल। 3-0 की लीड सिटी लेके बैठी हुई है, सही खेल गए हैं भाई, प्रेस भी कर रहे हैं बायर्न वाले, चेल्सी की तरह नहीं है सिर्फ प्रेस करके कोई मौके ना बनाए, मौके भी बन रहे हैं भाई। अकांजी कट रहा है, आके कट रहा है, आराम आराम से कट रहे हैं भाई। पेस पे इतने बैटल्स आ रहे हैं, साने साहब को देखो भाई। ठीक है पता है कि आपने मुक्का खा लिया था माने से, लेकिन मुक्का ही खाया था ना, होंठ पे ही आपका इशू हुआ था ना, होंठ ही सूझा था ना, लातों को क्या हो गया था, लातों से गोल्स नहीं पड़े जाते। अब अच्छे खासे चांसेस छोड़े हैं भाई, अच्छे खासे चांसेस छोड़े हैं। टकले को तो मसला नहीं है, उसने फुल अपनी टेक्टिकल मास्टर क्लास लगा दी थी भाई पहली लेग में ही, उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं था। ये होता है ना यार, अगर 1-0 2-0 खाया होता तो पता होता कि भाई आज चांस था। मुझे तो पहले ही पता था पहली लेग के बाद मैच खत्म है, पता था खत्म है भाई, कोई चांस ही नहीं था। ऐसे ये है कि तय लगा दिए थे सिटी ने पहले ही मैच में, अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आती यार इस चीज की। कम ऑन भाई, अपने चांसेस नहीं कन्वर्ट करने। वो उस काले को देख लो, हबशी यूपामेकानो साहब भाई, अजीब जो है ना यवाई है उस बंदे ने, फजूल फजूल की चीज है। अगर वो ऑफसाइड ना होता ना हॉलैंड का, वो रेड कार्ड लेके दफान हो गया था भाई फजूल में। ओ भाई खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, ओ यार मैं तो बॉल पोजेशन दूंगा ताकि ग्रेलिश असिस्ट कर दे आगे से। फुल ऑन अपने विच ही हुई है बायर्न, और निकालो नागल्समैन को, मजा आ गया अब भाई। मुझे नहीं पता, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है। बगैरत को देखो, ये गंजे को अभी भी याद है मुझे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वी कैन नॉट रिप्लेस हिम। बगैरत उसी अगली ट्रांसफर विंडो में लेके आया इतने बड़े नॉर्वेजियन दौश को भाई, किसी को किसी से रोका ही नहीं जाता वो बंदा, अजीब वखरा बगैरत है। निकालो इसे, तोड़ो इसे यार, हर बंदे के सामने आ जाएगा, हर बंदे के सामने आ जाएगा, धक्के मारेगा, गोल्स मारेगा भाई। अब रियाल का काम है, मुझे इतना पता है बस, रियाल का काम है, रियाल ने तोड़ना है इस बंदे को। इनको याद दिला दो कि भाई कोई चैंपियंस लीग नहीं है, कोई यूरोपियन ट्रॉफी नहीं है इस मैनचेस्टर सिटी के पास, ना कभी आनी है, कभी भी नहीं लाने देनी भाई ये चीज, कभी भी ना भूलना मैनचेस्टर सिटी फैंस। यूसीएल नहीं है और इंशाल्लाह इस साल भी नहीं आएगा, कोई ना कोई रोकेगा। हेरिटेज, फुटबॉल हेरिटेज लाएंगे हम बीच में, क्योंकि एट दी एंड तुम लोगों के पास कोई भी चैंपियंस लीग, कोई भी यूरोपियन ट्रॉफी है ही नहीं, और ये चीज तुम लोगों की मेंटेलिटी मरेगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है, गरीब की दुआ है भाई, है गरीबों गरीब की दुआ है, लगेगी तुम लोगों को, हाय लगेगी। अजीब बात है यार। एनीवेज गाइस, बात ये है, ठीक है राइवल है यार, अप्रिशिएट कर ही देते हैं भाई, कर ही देते हैं। पेप गार्डियोला जीनियस बहुत आ गया टीम पे, लेकिन उसने फाइनली एक अच्छी टीम बना ही ली है, टीम अच्छी बनाई है, और उस बंदे का दिमाग तो है ही फुटबॉल के लिए बना हुआ। खाना पीना, उठता जागता सोता, वो सोचता ही फुटबॉल के बारे में, खाली खाली बेंचे से बात कर रहा होगा यूं फुटबॉल में क्या करना है भाई। फिर जब इतनी अच्छी टीम मिलेगी उसने खेलना ही है। हॉलैंड आ गया, एक चीज की कमी थी, वी कैन नॉट रिप्लेस हिम, वो भी अगले सीजन दौश को ले आया था उठा के। अब बस रियाल का काम है इनको निकालना। अजीब है यार ये बंदा,
गोडियोला साहब की टैक्टिक्स बहुत आला है भाई, बहुत आला है। अप्रिसिएशन की बात करते हैं, बहुत आला है। आज तो बायर्न भी खेल गई थी, बायर्न ने खेली पूरी तरफ से। यही अगर इसका आधा भी दे दिया होता ना पहली लेग में, तो शायद रिजल्ट्स अलग होते हैं आज, बेहतर रिजल्ट्स हो सकते थे यार आज। ना ही अपने चांसेस कन्वर्ट किए इन्होंने, अभी बहुत एलीट है। बस बात ये है, रियाल ने इंशाल्लाह निकाल देना इन्हें, वो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ते। हाजी हाजी घुसेगा अंदर, वो ही कुछ उखाड़ेगा अब भाई। बायर्न का आज का मैच इस बात का सबूत है कि नो डाउट तुखेल अच्छा मैनेजर है ही, नो डाउट। लेकिन नागल्समैन को निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्योंकि एक बेहतर मैनेजर मार्केट में बैठा हुआ है। आप इसके लिए क्यों निकालोगे अपने मैनेजर को जो इतना अच्छा यूसीएल में आपको लेके जा रहा है। एवर सिंस तुखेल आए, रिजल्ट्स इतने इंप्रेसिव नहीं हुए जितना बंदा चाहता हो अगर कोई बायर्न फैन हो। साने पेस के मामले में अच्छा खेल गया, बाकी कुछ भी नहीं। फिनिशिंग वगैरह अगर किसी की भी आज सही हुई होती ना, बायर्न का आज स्कोर लाइन अलग हो सकता था, फाइट हो सकती थी। 1-1 जैसा शिटी स्कोर लाइन ना होता, बेहतर हो सकता था आज का मैच। गाइस अब कल के मैच पे कंसंट्रेट करते हैं, बहुत ही बड़ा फिक्सचर और इंशाल्लाह विन आ रही है रेड डेविल्स की। टेंशन ही नहीं लेनी किसी ने, यूरोपा लीग का क्वार्टर फाइनल है, हम लोगों ने कल सेमीज के लिए क्वालिफाई हो जाना है। यूनाइटेड वर्सेस सिविया, सिविया के होम पे घुस के खत्म करना है हम लोगों ने ये मैच। रैशफोर्ड डॉक्टर साहब वापस आ गए हैं, बचना किसी ने भी नहीं है भाई, देयर विल बी नो सर्वाइवर्स। कल सिर्फ यही आ रहा है।